डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज भारत डेवलपिंग कंट्रीज में माना जाता है, तब भी भारत के सामने में बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत सोसाइटीज से बनता है और सोसाइटीज कम्युनिटीज से बनती है। बहुत सारी कम्युनिटीज हमारे गृहस्थों से बनती है और गृहस्थ का जो कनेक्शन है वो एक इंडिविजुअल नागरिक से होती है। तो जो समस्या है वो इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ है और वो बढ़ बढ़ के पूरे देश की समस्या बन जाती है। एक साइड तो ये समस्या है, दूसरे साइड में हमारे भारत का जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उस पर भी आज चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। साथ में हम जो हमारे महापुरुष जिनकी वजह से भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली थी और आज भी मिली है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उनमें सबसे प्राथमिकता और प्रथम नाम आता है ब्रह्मलीन दंडी स्वामी भूमानंद तीरथ जी महाराज का। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको, आपका गृहस्थ कैसे चलेगा, आपको गृहस्थ जीवन में अपना धर्म कैसे अपनाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हर बार की तरह आज भी ये चर्चा हम भारत के एक महान संत, भारत के एक महान देशभक्त, जिन्होंने देश के लिए, सनातन धर्म के लिए और हमारे सोसाइटी की जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। गंगा के लिए उन्होंने कार्य किया, कारगिल वार में उन्होंने कार्य किया और बहुत सारे अनेकों कार्य किए। इससे पहले मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे संत महापुरुष अनंत श्री विभूषित परम पूज्य दंडी स्वामी अच्युतानंद तीरथ जी महाराज का। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको मैं नमन करता हूं और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाराज जी आप भूमा पीठाधीश्वर भी है, तो सबसे पहले हमारे दर्शक इस वक्त जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो तो हरिद्वार बहुत बार आए होंगे और भूपतवाला में आपका आश्रम भी देखा होगा, क्योंकि वो एक आकर्षण का आश्रम है। वहां पर जो जिस तरीके से मूर्ति और जिस तरीके से प्रतिमाएं और भगवान को वहां पर विद्यमान कराया गया है, वो एक अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन चुका है हरिद्वार का। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरीके से उसकी नींव डाली गई थी और अपने जो आपके गुरुदेव हैं स्वामी भूमानंद तीरथ जी महाराज, उनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, कैसे उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, आप उनके शरण में कैसे आए और इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते गए। धातु नाम धर्म भूपति नाम भूमा। हमारे देश में जिसकी पहचान, भारतवर्ष की पहचान ऋषि मुनियों से, आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा, तीर्थ आश्रम और भारती आते हैं जी। हमारा मठ आम न्याय के माध्यम से आदि शंकराचार्य जी ने चार मठ बनाए। हमारा मठ है द्वारका जी। हमारी देवी देवता, नदी, ब्रह्मचारी, ये सब अलग अलग होते हैं। हमारी दंड की जो परंपरा है वो भी अलग होती है। शास्त्र को मानने वाले भुवन भास्कर आदि जगुरु शंकराचार्य ने हम लोगों को विश्व की वो धरोधर दी है जिससे हम
विश्व गुरु की परिभाषा में आते हैं जी। हमारे महाराज श्री उसी परंपरा के अनंत विभूषित, अनंत उसे कहते हैं जिसका अंत ना हो जी, और विभूषित उसे कहते हैं कि जो अपने अलंकारों से सार गर्भित तरीके से अपना जीवन को यापन करे। महात्माओं की पहचान त्याग से, वैराग्य से, विवेक से और दूरदर्शिता से होती है। किसी भी साधु का मूल्यांकन का आधार उसका त्याग और वैराग्य है। विवेक उसके आभूषण है और दूरदर्शिता इस राष्ट्र का चिंतन है। हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, कोई भी सनातन धर्मी कोई कार्य प्रारंभ करता है तो पहले संकल्प करता है, तो हम लोग संकल्प के द्वारा ही किसी चीज का निर्माण करते हैं। 28-27 नक्षत्र होते हैं जी, और 27 नक्षत्रों के 4 पहर होते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या और रात्रि, और 27 चौका 108 होते हैं। महात्मा अपने गले में जो माला धारण करते हैं वो 108 दाने की होती है, उसमें सुमेरु होता है जी। वो सुमेरु जो है वही हमारा संकल्प है, उसका उल्लंघन नहीं होता। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे देश की पहचान हिंदुस्तान और भारतवर्ष से है। भारतवर्ष के अंदर रहने वाले लोग यदि कोई अपने मकान का मुहूर्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में विवाह शादी जो भी कार्य करते हैं वो संकल्प सिक्के मात्र से करते हैं जी। भूमा निकेतन एक ऐसी संस्था है जिसने विश्व को और भारत की संस्कृति को एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाया जी। नदी के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट पर कोई व्यक्ति खड़े होकर दूसरे पार्ट में जाता है तो सेतु की आवश्यकता होती है, पुल का आवश्यकता होती है। धर्म पुल का निर्माण करता है जी। जब हम पुल के ऊपर से होके जाते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि उसके अंदर जो बहने वाला जल है, उसकी धारा है, उसमें रहने वाले जीव हैं, वो कोई भी उस व्यक्ति को जो है छूते नहीं। ऐसी ही हमारे देश की संस्कृति विश्व को एक मार्ग देती है। गुरु शब्द की व्याख्या, उसमें 2 रूह है, एक गा के ऊपर रूह और एक रा के ऊपर। तो गुरु वो होता है जैसे कि 0 किलोमीटर दिल्ली है, परंतु 0 किलोमीटर राजघाट पर दिल्ली का पत्थर लगा है, मील का जी, किलोमीटर का पत्थर लगा है, परंतु हम 0 किलोमीटर पर आने पर ये तो कह सकते हैं हम दिल्ली आ गए जी, पर अपने जो स्थान है जहाँ हमें जाना है वहां नहीं पहुंचते, वहां नहीं पहुंचते। ये धर्म हमें वहां पहुंचाता है जी, जहां पर जो है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारे यहाँ गीता ऐसा ग्रंथ है जो विश्व में गीता पर भाष करने वाले भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, श्रीधर स्वामी, अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं, रशिया की भाषा में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ तक कि जो है जो लोग दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो भी गीता को के ऊपर भाष किया है। उर्दू में भी भाष हुआ है, फारसी में हुआ, अरबी में हुआ। तो गीता इस देश की आधार है और हमारे यहाँ भूमा निकेतन इसका एक मात्र केंद्र है। सन 1950 में हमारे गुरुदेव भगवान घूमते हुए जो हैं गंगा किनारे जी, उन्होंने 100 बार गौमुख से लेकर गंगा सागर तक
यात्राएं की पैदल, और वो एक बार हरिद्वार में उन्होंने निवास किया जी। और निवास करने पर उन्होंने देखा ये जो भूपत वाला है इसका वास्तविक नाम सप्तऋषि मार्ग है। सप्तऋषि मार्ग, सप्तऋषि मार्ग जी। यहीं पर सात धाराएं जो हैं बहती थी जी जी। आज भी यदि कोई व्यक्ति रिसर्च तौर पर आध्यात्मिक जागृति के लिए जाए तो आज भी तीन चार धाराएं दिखती हैं जी। आज जो है डैम बन गए इसलिए धाराओं का प्रभाव जो है एक तरफ हो जाता है, परंतु आज से 100 वर्ष पहले जो है सात धाराएं इस सप्तऋषि रोड पर। हमारे गुरुदेव भगवान का जो वैराग्य है वो गंगा के तट पर विराजमान हुआ और उस वैराग्य का स्वरूप विवेक के रूप में ये भूमा निकेतन स्थापित हुआ। भूमा निकेतन में जितने भी वर्तमान में शंकराचार्य हैं वो सब लोग आकर रहते हैं जी, और रहकर महा स्वाध्याय करते हैं। हमारे यहाँ स्वाध्याय का बड़ा महत्व तो है। उसके बाद हमारे गुरुजी ने महाराज कर्पाती जी महाराज, महाराज कृष्ण बोध आश्रम जी भी इस स्थान पर बरसों रहे जी। कर्पाती जी को वर्तमान समय में धर्म सम्राट की उपाधि दी गई जी। स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी जोशी पीठ के शंकराचार्य थे। जोशी पीठ पर सब वो ऐसे शंकराचार्य थे कि कभी उन्होंने जो है पैसा नहीं स्पर्श किया। तो आचार्यों का जो है आचरण वो होता है आचार्य धारिताम नाम आचार्य, जो आचरण को धारण करे उसका नाम है आचार्य। आज इस देश का आचरण जो है वर्तमान में भारत में रामचरितमानस और गीता एक ऐसा है, रामचरितमानस सिखाता है हमको कि हम कैसे रहना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। एक ग्रस्त जीवन के लिए रामचरितमानस सबसे बड़ा वो ग्रंथ है। उस ग्रंथ में पहले जो है किसी देवता की जो है स्तुति नहीं की है, गुरु की स्तुति की है, और छोटे क्लास में 5वीं क्लास में भी कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागन पाओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए होता है। हजारों पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें ईश्वर को अहम ब्रह्मा अस्मि के माध्यम से निर्गुण सागुण के माध्यम से जाना है। भूमा निकेतन वो आध्यात्मिक शक्ति सिद्ध पीठ बना। यहाँ से हजारों लोगों ने उसका, लाखों लोगों ने उस संस्कृति को पहचाना जी। हमारे गुरुदेव भगवान जिनके हम शिष्य हैं, सन 1980 में हम जो है अपने गुरुदेव महावा भगवान के चरणों में आए जी। और उन्होंने हमें केवल एक कार्य दिया था कि उस समय वो हम ग्रेजुएशन करने के बाद अकाउंट में विश्वास रखते थे जी। और अकाउंट का काम करते थे आश्रम में ही, आश्रम में नहीं बाहर बाहर जी। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें देखा और हमसे कहा हमारा भी अकाउंट बना देना जी। तो हम महाराज जी का अकाउंट बनाने सन 1980 में आए। तो छोटी सी एक लाल रंग की पुस्तक होती थी उसमें हमने लिखना शुरू किया जी। और हम जो है एक हफ्ता रहे। ऐसा व्यक्तित्व तो ऐसा आकर्षण हुआ कि हमने जो है सीए किया था 2 वर्ष, अपना सीए छोड़ दिया और गुरु महाराज के चरणों में समाहित रह गए थे और आज तक उनके जी। तो आपका परिवार भी महाराज श्री के साथ जुड़ा हुआ था पहले? मेरी जो माता है जी वो महाराज श्री के यहाँ आती थी पहले। और माता जी ने ही मुझे कहा जाओ किसी संत के दर्शन करने हैं जी। हमने सन 1962 की लड़ाई में भी जो है हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ा, और इस देश की आजादी के लिए भी हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ा जी। यहाँ गौ हत्या आंदोलन हुआ था
तो गौ हत्या आंदोलन में भी हमने बहुत बड़ा भाग लिया था जी। हमारे आज भी हमारे शरीर पर निशान है जब पुलिस की लाठियां जो है गौ हत्या में जो लोग आंदोलन करने वाले थे उन लोगों पर जो है पुलिस ने लाठी बरसाई। उस समय हम संत महात्माओं के ऊपर गिर गए और जो है महात्माओं को जो है लाठी नहीं खाने दिया और हमने अपनी लाठी खाया। ये दिल्ली की ही बात है, दिल्ली में जो है दिल्ली में जी जी। ये जो आपका लाल किला है, जो इंडिया गेट है, जो ये आपका संसद है, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ था। और हम मुद्दा क्या था? गौ हत्या बंद करने जी जी। इंदिरा गांधी उस समय जो थी वो थी तो गौ हत्या के ऊपर जो है आंदोलन हुआ था पूरे देश से। तो हमारी माँ ने जो है हमें चार रोटी बांध कर दी, बोले जाओ देश के लिए कुछ काम करो और धर्म के लिए काम करो। तो हम लोग जो है यहाँ आए और संतों पर जब लाठी चार्ज हुआ तो हमने अपने शरीर को उनके ऊपर डाल लिया। लाठी हमने सही संतों को नहीं। इस देश की संस्कृति यही है, देश की संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें बड़ों का सम्मान या संत का सम्मान किसे। संत उसे कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का न्यास कर ले जी। हमारे यहाँ शरीर के अंदर इंद्रियां जो है ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, उनका जो न्यास कर ले उसे संत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। तो हमारी जो संस्था है, हमारे गुरुजी ने हमें ये बताया। लाखों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति इस दिल्ली में भी हैं, जगह जगह हैं, जिनके संतान नहीं होती थी, जिनके घरों में जो है चूल्हे नहीं जलते थे, आज उनके में जो है करोड़ों रुपए की कोठियां हैं जी। ये हम हजारों व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं जिनके यहाँ तीन तीन पीढ़ी में संतान नहीं होती थी। हमारा एक हर की पैड़ी पे आश्रम है, उस आश्रम में राजा बिलासपुर का जो है वो जगह थी, तो राजा बिलासपुर के यहाँ संतान नहीं थे समझे, तो हमारे गुरुजी की कृपा से उनके यहाँ संतान हुई, तो उन्होंने वो पहाड़ जो है हमें दान में दे दिया और हम वहां पर जो है शंकराचार्य सत्संग भवन के नाम से बनाया। वहाँ 45 कमरे भी हैं जी जी। एक भगवान साक्षी बद्रीनारायण की मूर्ति भी विराज है जी। कि पहले ये इसी अपर रोड से ही जो है बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का यात्रा थी। हरिद्वार की व्याख्या है जी, हरिद्वार कुशावर्त, हरिद्वार में कुशावर्त घाट समझे, हरिद्वार कुशावर्त नल नील पर्वत समझे, दो पर्वतों के बीच में से हमारी गंगा जी बहती है। और इतना सुंदर इसका जो है गंगा जी का संगीत है कि सुबह रात भैरवी आप पढ़ लें, रात्रि को यदि गंगा किनारे रहें तो मालकुश की, जैसे हमारे यहाँ राग है मालकुश की जो है वो आती है, राग दरबारी भी जो है हमारे गंगा जी के अंदर से जो कल कल ध्वनि रहती, तो राग दरबारी का भी उसमें पुट लगता है जी। तो गंगा जी है जी। तो ये भूमा निकेतन इसी तट पर है, पश्चिमी भाग पर विराज जी। महाराज जी, और भारत में कहाँ कहाँ आश्रम है भूमा निकेतन? हमारा भूमा निकेतन का आश्रम जो है बनारस में है, केदार घाट समझे महाकाल आता है बनारस में। एक आश्रम हमारा जो है हरियाणा में जी, एक आश्रम हमारा दिल्ली के पास सफियाबाद है वहाँ है जी। हमारे जो है हरिद्वार ही हरिद्वार में चार आश्रम है, एक अद्भुत मंदिर भी हमारा अभी बनाया है जी जी। 2001 में उसको शुरुआत की थी और 2016 में उसका उद्घाटन किया जी। हम लोगों ने जो इस देश के लिए जो हमारे यहाँ बच्चों को संस्कार दिए, संस्कृति दी, वो उस संस्कार और संस्कृति ही इस राष्ट्र की पहचान है। जो भारत के जो बहुत सारे लिंग आपके आश्रम में है तो उनकी क्या महिमा है, वो किस तरीके से समाज में सकारात्मकता लाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं महाराज जी? हमारे यहाँ जो भगवान को जो बताया गया है तो सबसे उत्तम पूजा जो है पार्थिव पूजा कहलाती है जी। पार्थिव बना के रेते के और मट्टी के जो है शिवलिंग बना के उनकी पूजा की जाती है तो वो पार्थिव पूजन कहलाता है जी। उसके बाद ये रसायन है, ये पारा जो है जी, ये रसायन है एक तरीके से। तो इस पारे को जो मोक्ष किया जाता है, इस पारे को कई चीजों के द्वारा समझे, दुआ के द्वारा, आके के
बीज के द्वारा अन्य चीजों से इसको जो है मर्दन करके जो है लिंग बनाया जाता है जी। तो पारद लिंग की जो है, जो लोग इसको जो है, इस लिंग को जो व्यक्ति पूजन करते हैं, और आका जो है वो श्वेत आका ऐसी वस्तु है कि जो व्यक्ति श्वेत आके से इसका मर्दन करके और इसको जो है पारे के लिंग को बनाता है, यदि उसका अभिषेक करता है तो उस व्यक्ति को कोई निरोग काया उसकी रहती है, कोई रोग नहीं रहती। आजकल जो है कैंसर वगैरह बहुत फैला हुआ है, तो उसका सबसे है कि उसके ऊपर से अभिषेक का जल यदि उस व्यक्ति को दिया जाए तो वो व्यक्ति जो है कैंसर से प्रथम चरण द्वितीय चरण में कैंसर से उसको लाभ अवश्य मिले। जी जी जी, अनेकों चीजें हैं उसमें जी विचार है। वही भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी विराजमान है जी, और राजराजेश्वरी जो हमारी विराजमान है वो श्री विद्या है, समझे। आज विश्व के अंदर बड़ी रिसर्च हुई है कि श्री यंत्र क्या होता है, तो श्री यंत्र के ऊपर हमने पंच प्रेतासना भगवती राजराजेश्वरी को हमारे गुरुदेव भगवान ने हरिद्वार के कुंभ में 86 में स्थापित किया। मेरे गुरुदेव की आयु जब उन्होंने अपना ब्रह्मलीन हुए तो उस समय मेरे गुरुदेव की आयु 90 बरस की थी, आज उनको 26 साल हो गया उनके शरीर को ब्रह्मीभूत हुए जी। तो पुण्य श्लोकी जो है हमने क्या है, पुण्य श्लोकी हमारे यहाँ एक जो है अलंकार है, तो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ एक अलंकार है। तो हमारे गुरु भगवान ने ये जो है शंकराचार्य सत्संग भवन भूमा निकेतन बनाया, और भूमा निकेतन वो अस्तित्व है कि जहाँ भारतवर्ष के ऐसे ऐसे संत महात्मा आते हैं और वो अपनी समस्या का समाधान करते हैं जी। तो पहले सत्र में महाराज जी के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना किस प्रकार से भूमा निकेतन का निर्माण हुआ था, और ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री भूमानंद तीरथ जी महाराज हरिद्वार में 1950 के दशक में आए थे, और उन्होंने सप्तऋषि मार्ग जो आज भूपतवाला कहलाता है वहां पर उन्होंने भूमा निकेतन का निर्माण किया था। महाराज श्री का जो आश्रम है भूमा निकेतन, इनका जो कनेक्शन है वो द्वारका पीठ के साथ है। 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य ने चार पीठ चार धाम भारत में बनाए थे, और चार धाम में चार शंकराचार्यों को बैठने का आदेश दिया था, उसमें से एक धाम है द्वारका धाम। और इनका जो कनेक्शन है, इनका जो शंकराचार्य का मठ है वो मठ है द्वारका मठ। हमने इस सत्र में ये भी जाना किस प्रकार से धर्म एक दूसरे के साथ जोड़ता है और भारत के और राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करता है। हमने ये भी जाना गुरुदेव 90 साल की आयु में उनका वो ब्रह्मलीन हुए और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था 1990 के दशक में, 1990 में। आज के जो भूमा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित डंडी स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है, इन्होंने महाराज श्री के शरण में 1982 में ये आए थे हरिद्वार, अकाउंट्स का ये पहले काम करते थे, उनको आदेश मिला था कि इनके आश्रम में भी अकाउंट्स सीखने का कुछ काम मिल जाए, अकाउंट्स बनाने का काम मिल जाए, और ये सिर्फ 7 दिन वहाँ रहे, 7 दिन में इनका पूरा परिवर्तन हुआ और ये पूरे आश्रम में गुरुदेव के साथ ही जुड़ते रहे, और आज तक वहीं पर आश्रम में ही ये उपस्थित है, आश्रम को आगे चलाते हैं, और आश्रम और गुरुदेव के जो कार्य है उनका जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे भारत में और भारत के बाहर के देशों में भी उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। साथ साथ में भूमा निकेतन ने जो भी आज तक काम किया है और ख़ास तौर पर जो महाराज जी ने काम किया है वो सभी काम उन्होंने अपने गुरुदेव के नाम रखे। ये कोई हॉस्टल का काम हो या आई हॉस्टल का काम हो,
नर्सिंग कॉलेज का काम हो या आश्रमों का नाम हो, हर आश्रम में, हर अस्पताल में, हर एक्टिविटीज में, गौशाला में बोमानंद तीरथ जी का ही नाम रखा गया है।